बहुत बुरा किया अविनाश मिश्रा ने। अब अविनाश मिश्रा ने नॉमिनेशन से, अविनाश मिश्रा को नॉमिनेशन से बचाने का चांस मिला था, वो जो है बचा सकता था, अपना भाईचारा, अपना रिश्ता जो है दिखा सकता था, और ईशा का भी दिल तोड़ा और ऊपर से जो है विवेक डिसेना का भी दिल तोड़ा अविनाश मिश्रा ने। देखिए, ये प्रोमो आने से पहले ही अपडेट्स जो है मेरे हाथ लग चुकी थी और मैंने जो है आपको बताया, पूरे का पूरा सोशल मीडिया जो कि बिग बॉस को फॉलो करता है, हर जगह पर यही बात चल रही थी कि भाई ईशा ने धोखा दे दिया, ईशा ने धोखा दे दिया। मुझे इतना ज़्यादा ईशा के ऊपर गुस्सा आ रहा था, इतना सब चीज़ें हो रही थी कि भाई ईशा भी क्या नक्शे कदम पे चल रही है अविनाश के, अविनाश ने जो किया उसके लिए जो है उसने सब चीज़ें बताई भी कि आखिरकार किस लिए क्यों कदम उठाया, और वो चीज़ें जो उसने बताई थी उसके लिए मैं तो भाई सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ उसने जो भी किया वो सही किया, उसके ऊपर उंगली उठा ही नहीं सकते और विवेक डिसेना भी उंगली नहीं उठा सकते, और विवेक डिसेना भी सही तरीके से जो है उसके साथ वैसे ही भाईचारे के साथ जो है वो चल रहे थे। पर अब क्या हुआ भाई, ये ईशा वही ईशा है जिसने तुम्हें इतनी बार बायस्ड होके जो है चीज़ें दिलाई, बचाया, बायस्ड थी। जब भी ईशा के हाथ में जब भी कोई कभी पावर आई, या ईशा ने जो है इवन नॉमिनेशन में जब पावर आई तब बचाया ना, अविनाश को बचाया, विविन को बचाया, यामिनी तक को बचाया, राशन टास्क में क्या बोला, भाई तू चला जा, तू चल रहे, मैं टाइम गॉड हूँ ना, मेरे को पता है तुझे कैसे बिठाना है चेयर पे, वो मैं खुद कर लूँ। खुले आम ईशा ने जो है ये चीज़ बोली कि हाँ मैं बायस्ड हूँ, अपने दोस्तों के लिए बायस्ड हूँ और मैं रहूँगी बायस्ड, और उसके लिए मुझे प्राउड फील होता है, ये चीज़ जो है ईशा ने की। पर ईशा जो है वहाँ पर फोटो दूसरे राउंड में लेके आई, जिस तरीके से हमने प्रोमो देखा भाई कर सकता था अविनाश जो है ये बायस चीज कर सकता था, अब क्यों वो इतना ज्यादा महात्मा की मूरत जो है वो बन के बैठ गया है घर के अंदर, ये चीज सही नहीं है। बिग बॉस चलो ये गेम खेल रहा है, गेम खेलो, पर गेम के साथ रिश्ते भी तो आप दिखाओ। यहाँ पर आप पहले वक्त पे जब आपने पूरा गेम चेंज किया, हर किसी ने बाहर, हेटर्स को छोड़ दो, हर किसी ने बाहर जो है साथ दिया जो लॉजिकल तरीके से चलता है, अविनाश का साथ दिया, अविनाश की लॉजिक वाली चीज़ों के ऊपर जो है साथ दिया, और कोई भी जो है उसके ऊपर उंगली नहीं उठाया, और मैंने भी अविनाश के ऊपर उंगली नहीं उठाई, विविन ने उंगली नहीं उठाई, और कोई घर में जितने भी लोग थे वो उंगली नहीं उठा पा रहे थे, और इवन वीकेंड के वार पे भी जो है जो कदम उठाया अविनाश ने, उंगली उठाने वाला बनता ही नहीं है, इवन तारीफ करने वाला बनता है कि भाई बहुत ही अच्छे से तूने गेम जो है वो चेंज की, कमाल का खेला। पर अब आखिरकार ऐसा क्या हुआ था, ईशा लड़ रही थी यार अपने दोस्त के लिए, लड़ी वहां पर करणवीर के, इतनी गहरी चोट लगी है, करणवीर का पूरा ये हिस्सा जो है वो फूल गया है, उस जगह पर ईशा को भी लगी होगी। ऑफकोर्स ईशा उस गेम में जो है भाग रही है, और तुमने बस इतना सा डिस्टेंस था वहां पर, अगर तुम चाहते तो विविन को बचा सकते थे। ऐसा नहीं है कि विविन चला जाएगा या विविन जो है नेक्स्ट टाइम जो है वो ये हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से रिपीट आएगा, क्या मालूम वो निकल जाए, क्या मालूम कोई और जो है लेके आ जाए उसकी फोटो और वो लास्ट में जो है उसकी फोटो जो है तुमको दे, ये भी चीज हो सकती है। पर तुमने जो है अपनी दोस्त का भी दिल तोड़ दिया। ईशा लड़ी यार, बहुत ही ज्यादा बुरा किया अविनाश ने ये चीज। मैं नहीं बोलती कि अविनाश को जो है ये चीज करनी चाहिए थी, मतलब कि ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, अविनाश की गेम है, अविनाश ये कर रहा है, पर अविनाश ये चीज कर रहा है वो गलत कर रहा है। उसके पास मौका था अपने रिश्ते दिखाने का, क्योंकि बैलेंस अगर करना आता ना तो बैलेंस करना चाहिए, अगर दिमाग चल रहा है तो दिल का भी हिस्सा जो है होना चाहिए, तभी इसका जो है बैलेंस होता है, और वहां पर तुम ये चीज कर रहे हो, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। क्या कहते हैं आप, अब तो गुस्सा आया, विविन का भाई प्रोमो में चेहरा देख के मुझे रोना आ गया, बेचारा कोने में बैठा है, मतलब कि तुम छुरियां खोपते रहोगे और वो चुप रहेगा, तुम अपनी दोस्त को तुम रुला रहे हो, भाई लानत है तुम्हारे ऊपर। देखिए अविनाश को क्या है, मुझे अच्छा लगता है अविनाश, ईशा भी अच्छी लगती है, विविन भी अच्छे लगता है, सब लोग ही मुझे अच्छे लगते हैं घर के अंदर। ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अपने अपने अकॉर्डिंगली जो है इन लोगों को रिएक्ट करना पड़ता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। चलो ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, पर इस वक्त
इस वक्त जहां पर तुम एक्चुअली में एक बेहतर कदम उठा सकते थे, एक बेहतर स्टेप जो है वो ले सकते थे, एक बेहतर चीज तुम कर सकते थे, पर फिर भी तुमने ये चीज किया, तुम बैलेंस कर सकते थे, भाई तुम यहां पर मार खा गए मिश्रा जी। क्या कहते हैं आप लोग, बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।